नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड। फिल्म में दिखाई गई दो पर्यटक हाथियों और उनके देखभाल की कहानी, साथ ही जंगलों की सुंदरता को दिखाया गया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से हुआ शुरू। सत्र के दूसरे भाग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जम्मू और कश्मीर से संबंधित सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट से संबंधित वक्तव्य रखा जाएगा सदन के पटल पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में कई औद्योगिक परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी संविधान में दी गई आरक्षण व्यवस्था के साथ ही बढ़ेगी आगे। और प्रदेश के खाद्य और उद्यान प्रसंस्करण मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों से 650 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी आलू। और शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। ऑस्कर अवार्ड में धमाकेदार शुरुआत हुई है। इस इवेंट पर भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। इस लघु वृत्त चित्र में दो परित्यक्त हाथियों और उनकी देखभाल के बीच जो देखभाल करने वाले हैं उनके अटूट बंधन को दर्शाया गया है। इस फिल्म का निर्माण किया है गुनीत मोगा ने, तो वहीं भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स इस रेस से बाहर हो गई है। भारत के लिए इस समय गौरव का माहौल है। साउथ इंडिया के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में हॉलीवुड के सबसे बड़े सम्मान ऑस्कर 2023 का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। 95वें अकादमी अवार्ड को हासिल करते हुए नाटू नाटू ने संगीत के लिए MM कीरवानी को पुरस्कार प्रदान किया गया। देश के लिए और उन सभी जो फिल्मी प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं और जो नहीं भी हैं, जिनको देखना अच्छा लगता है, जो एक्टर्स हैं, कंपोजर्स हैं, सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, उन सब के लिए जो भी संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्मों के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बड़ी गौरव की बात है कि वी वन द ऑस्कर। यस, मुझे अच्छे से याद है जब ग्लोबल अवार्ड के लिए नाटू नाटू को अवार्ड मिला था तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ऑस्कर भी मिलेगा और उम्मीद तो अब सफल हो गई। और ये कहते हैं ना कि आप कोशिश करते रहिए। कितनी फिल्में हमारी नॉमिनेशन के लिए गई, ऑस्कर अवार्ड के लिए गई, और इस बार तो गजब हो गया, इतिहास रच गया और एक फिल्म को भी मिला है। पर नाटू नाटू गाना ऐसा है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में ये जो गाना जो पॉपुलर हुआ, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ, जिसको ऑस्कर मिल गया। आप पता है जैसे फिल्मों में नहीं, बारात में, शादियों में गाने बजते थे, पक्का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि संगीत हमारी रगों में है और हम सब ये जानते हैं कि जो भारत है उसकी जो संगीत की जो वैरायटी है वो अनगिनत है। सो गुड लक इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो दुनिया में रह रहे हैं उन सभी भारतीयों को और उन सभी फिल्मी प्रेमियों को, उन सभी संगीत प्रेमियों को, सिंगर्स को। और एक चीज़ और कहना चाहूंगी, इस फिल्म के कंपोजर्स, सिंगर्स, फिल्म मेकर्स, लिरिसिस्ट सबको ढेरों बधाइयां। ये एक शानदार मूवी थी और ये एक शानदार गाना है, जो कॉलोनियल उपनिवेशवाद था भारत का, उसके खिलाफ ये पूरी फिल्म है और ये पूरा गाना भी उस उपनिवेशवाद के खिलाफ है। यानी जो उपनिवेशवादी अपनी श्रेष्ठता मानते थे कि हम हर चीज में बेहतर हैं, तो ये गाना ये मैसेज देता है कि आप हर चीज में बेहतर नहीं, हमारी जो अपनी कल्चर है, अपने जो आर्ट फॉर्म है वो बहुत ही बेहतर है। और इस पूरे गाने की थीम में पीछे यूक्रेन के राष्ट्रपति का भवन है जहां ये शूट हुआ है, और जो गाना है उसमें अंग्रेज भारतीय युवकों को चुनौती देते हैं कि ये डांस नहीं कर सकते हैं, जबकि वो दोनों भारतीय युवक जो फिल्म के मेन कैरेक्टर हैं, एक रामचरण दूसरे जूनियर NTR, ये शानदार डांस करते हैं और अंत में सभी जो अंग्रेज हैं, जो उपनिवेशवादी हैं जब भारत गुलाम था, तो उनको भी मजबूर होना पड़ता है इस डांस को करने के लिए, और एक शानदार डांस करके ये दिल जीतते हैं। तो ये तो फिल्म की थीम थी,
लेकिन फिल्म की थीम से आगे चलकर ऑस्कर जो दुनिया में सबसे बेहतर एक अवार्ड फंक्शन माना जाता है और ग्लोबल अवार्ड देने के लिए उसकी पहचान है, तो ये जो नाटू नाटू गाने को वहाँ पे जो सम्मान मिला है, जो पुरस्कार मिला है, उसने भारतीय कला को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया है और इससे पूरे भारतीय समुदाय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए कि गाने की थीम जो उपनिवेशवाद के खिलाफ है, और दूसरा ये ऑस्कर जो ग्लोबल एक पुरस्कार है, इसको जीतने के बाद ये निश्चित तौर पे जो भारतीय परंपरा है उसकी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे विश्व की जो मान्यता है वो मिलती है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि पर ट्वीट कर बधाई दी है, कहा मैं ऑस्कर की सराहना करता हूं। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि उनकी टीम को उनके वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर मुझे खुशी होती है कि भारतीय महिला फिल्मकार विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बेहद लोकप्रिय गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है और ट्वीट कर कहा है कि जीतना वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा के लिए मान्यता का एक बड़ा क्षण है। इस उपलब्धि के लिए संगीतकार एमएम कीरवानी, निर्देशक एसएस राजामौली और उनकी पूरी आरआर टीम को बधाई देता हूं। और इसके साथ ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा है कि प्रकृति के साथ सद्भाव में प्रेम और सह अस्तित्व की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। ये तमिलनाडु में सेट बोमन बेली और बेबी हाथी रघु की एक सुंदर कहानी है। मैं रोमांचित हूं कि एलिफेंट विस्पर्स ने 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म के लिए ऑस्कर जीता है। और इस फिल्म को और इस गीत को जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, इसके लिए हमारे पास हमारी संवाददाता दुर्गा जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गा, वाकई में मतलब इतिहास रचने वाला दिन है। ऑस्कर अवार्ड में भारत ने जो डंका बजाया है, जो अपनी धूम मचाई है, उससे हर भारतवासी जो है वो गर्व का अनुभव कर रहा है, खुशी का अनुभव कर रहा है। कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आपको लोगों की? जी मोनिका, ऑस्कर भारत के लिए एक सपना जैसा रहा है जो आज पूरा हो गया। भारत ने आज इतिहास रच दिया। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने देश को गर्व करने का मौका दिया है। गाने ने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। ये खबर आते ही देश भर में जश्न शुरू हो गया। लोगों की खुशी से भरी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। दरअसल मोनिका, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होना ही बड़ी बात होती है, जश्न वहीं से शुरू हो जाता है। गाने को आज दुनिया ने सलाम किया है। ये भारतीय सिनेमा के साथ ही हर देशवासी के लिए एक गर्वित करने वाले क्षण है, उत्सव मनाने का एक बहुत अच्छा अवसर है मोनिका। बिल्कुल। और दुर्गा, इसके साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये गीत कितना अहम है, हम देख सकते हैं कि इस अवार्ड शो में इस गाने की परफॉर्मेंस भी की गई है और दीपिका ने जिस तरह से इस अवार्ड को अनाउंस किया वो भी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय था। दुर्गा, होता है ना कि कुछ चीजें, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कभी कभी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और अवार्ड जीत जाते हैं, लेकिन इस गाने ने साथ ही साथ दिल भी जीते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, चाहे आप रील्स में देख लीजिए, लोगों का भर भर के प्यार मिला इस गाने को। जी जी मोनिका, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल जो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी गानों की लिस्ट, उसमें 15 गाने शामिल थे जिसमें लेडी गागा का गाना भी था। और लेडी गागा को बहुत बड़ी गायिका माना जाता है और नाटू नाटू गाने ने 15 गानों को हरा कर बाजी मारी है। और ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का ये पहला गाना है जिसे ये अवार्ड मिला है। और गाने ने देश दुनिया में पहले सबका दिल, भी इस गाने की प्रस्तुति हुई है तो लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है और वो एक खुशी देखने को मिल रही थी कि किस तरह से देश के बाहर भी इस गाने को लोगों ने कितना दिल से चाहा है। बिल्कुल।
जी अच्छा दुर्गा, क्या होता है ना कि कई बार हम बॉलीवुड टॉलीवुड ये सारी चीजें अलग अलग नजरों से देखते हैं, लेकिन जब भारत के बाहर हम कोई अवार्ड जीतते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक साथ मिल रहा है, एक साथ खुशी मना रहा है। तो कहीं ना कहीं इस गाने के जरिए पूरा भारत एक होता भी दिख रहा है। जी मोनिका, दरअसल ऑस्कर में डबल धमाका हुआ है। हम नाटू नाटू को सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की गरीबी समस्याएं आदि दिखाए बिना मनोरंजन जगत का इतना बड़ा अवार्ड मिला है। ये प्रमाण है कि भारतीय मनोरंजन जगत दुनिया को अपनी मेहनत से, अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत कुछ बेहतर दे सकता है। और जो ये अवार्ड भारत के खाते में आया है, इसने दक्षिण भारत उत्तर भारत सिनेमा का जो डिफ्रेंशिएशन होता था उसको भी खत्म किया है और एक तरह से हर तरह के सिनेमा को जोड़ने का काम किया है। सबको एक तरह की खुशी हो रही है मोनिका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा इस पूरी जानकारी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के और अवार्ड्स भारत की झोली में आएंगे और वैश्विक पटल पर भारत अपना डंका बजाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 23 में प्रतिष्ठित उद्योग समूह मैसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड के अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 82 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें 550 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसमें 30 मेगावाट का कैपेटिव पावर प्लांट भी क्रियाशील है। विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी वाले इस प्लांट से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन से पूर्व समूचे प्लांट का अवलोकन और निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि 2013 के पूर्व उत्तर प्रदेश में निवेश लाना चुनौतीपूर्ण था, कानून व्यवस्था बदहाल थी, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। गोरखपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि होली के तत्काल बाद इतना अच्छा प्लांट यहां पर उपलब्ध हो गया है और यहां पर लोहे का उत्पादन होगा। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद हम सरकार की पॉलिसीज में भी तमाम व्यापक परिवर्तन करेंगे। दो प्रकार की, एक अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उसका उपयोग होना चाहिए, निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। दूसरा, जो चोरी की स्टील बाहर से आ रही है उस पर सरकार पूरी तरह बैन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जनपद गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राम नरेश राय जी और गंगा देवी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ साथ छोटे बच्चों की भी प्रतिभा देखकर यह लग रहा है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन पर भी काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला, ब्लॉक और गांव में खेल के मैदान बनाए जाएं, इसमें मनरेगा के पैसे का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों को लेकर गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए गोरखपुर में जमीन खरीदी जा रही है। जो लोग पूर्वांचल छोड़कर चले गए हैं उनके लिए ये संभावनाएं हैं कि वो यहां आकर उद्योग लगा सकते हैं और रोजगार कर सकते हैं। वॉलीबॉल की टीम हो, कुश्ती की टीम हो, बांस गांव में भी कुश्ती आदि प्रतियोगिता के बारे में लोगों के मन में एक नई जागरूकता पैदा हो, युवाओं के मन में खास तौर पर, यह अद्भुत है और अभिनंदनीय भी है। मैं सभी युवा खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक लंबी खिलाड़ियों की श्रृंखला खड़ी हुई है और भाइयों बहनों, मैं आज कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हरेक संसदीय सीट के अंदर लगभग 2000 से लेकर 2500 नए खिलाड़ी पैदा हुए हैं हर संसदीय क्षेत्र के अंदर। और प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट हैं, आप अनुमान कर सकते हैं
कि लगभग 2 लाख नए खिलाड़ी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इन सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ही देने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करते हैं संसद के बजट सत्र की। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जम्मू और कश्मीर से संबंधित सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट से संबंधित वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में 2 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें संविधान में संशोधन से संबंधित अनुसूचित जनजाति संबंधित 5वां और 3रा संविधान संशोधक विधेयक सूचीबद्ध किया गया है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बोल वाला, किसिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। बड़ो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कहा। बढ़ते समाचारों में आके, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश आया था, उसी समय प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपना संकल्प व्यक्त कर दिया था कि हम पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बगैर नगर निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। श्री चौधरी अयोध्या में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर अब प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसी के साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है और नगर निकायों के माध्यम से हमारी सरकार ने चाहे स्मार्ट सिटी हो, स्वच्छता हो या फिर शुद्ध पेयजल हो, सभी कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और पूरी ऊर्जा से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में उतरेंगे। मुझे खुशी है कि माननीय न्यायालय ने हमें समय दिया और हम समय के आधार पर जो आयोग की रिपोर्ट है वो सरकार को प्राप्त हो गई है। अब सरकार को, विभाग को उसमें आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ानी है और आरक्षण के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा और जैसे अधिसूचना जारी करेगा हम लोग अपने पूरे तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो नगर निकायों के माध्यम से काम किए, चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे विषयों को लेकर हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर जनता के बीच में जाएंगे। माननीय मोदी जी ने हमारे देश की बेटियों के लिए, हमारी देश की महिलाओं के लिए सम्मान देने के लिए शौचालय से लेके, आवास से लेके, वृद्धा पेंशन से लेके, उज्ज्वला योजना से लेके और अभी आप देखिए एक नया बजट अभी जो केंद्र ने दिया है PM विकास विश्वकर्मा विकास योजना के तहत, आप देखिए इसमें महिलाओं को और आगे बढ़ने का उनको ताकत मिलेगी। पूरी तरीके से सरकार हमारी केंद्र और प्रदेश की तत्पर है कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े स्वावलंबन। सुल्तानपुर जिले में सिंह एवं श्रीनिवासन उत्कर्ष ट्रस्ट ने कलावती अनुभव परिकल्पना के अंतर्गत आयोजित कलावती स्मृति उदीयमान रचनाकार सम्मान समारोह में प्रतापगढ़ निवासी युवा कवित्री रूपम मिश्र के काव्य संग्रह एक जीवन अलग से को 21,000 रूपये का सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति सम्मान प्रदान किया। मेरठ निवासी चित्रा पवार की काव्यकृति 2 औरतें और मिर्जापुर निवासी राजेश ऋतुपर्ण के काव्य संग्रह क्या है जो मेरा है को 5,000 रूपये का प्रोत्साहन सम्मान दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और संयोजक ने रचनाकारों को धनराशि, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और पुस्तकें आदि देकर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए गोरखपुर के जनधर्मी आलोचक श्रीधर मिश्र ने कहा कि कविता गणित का नहीं, स्वाद का मामला है। सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक और वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. साधना अग्रवाल ने कहा कि कविता सृष्टि के साथ ही जन्मी, कविता के भीतर हमारा जीवन है। ये छोटे शहरों में क्या गतिविधियां हो रही हैं उसका एक जीता जागता प्रमाण हमको दिखाई दिया और डॉक्टर MP सिंह सर एक बड़े धारक के रूप में दिखाई देते हैं कि समाज अपने शहर की ही नहीं,
तमाम प्रतिभाओं को सामने लाने की एक कोशिश है, युवा पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश है, जिसे मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को बहुत बड़ा संबल मिलेगा और कुछ अच्छा कर गुजरने की प्रेरणा भी मिलेगी। बहराइच जनपद में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ड्रीम प्रोजेक्ट महाराजा सुहेल देव स्मारक स्थल के युद्धस्तर पर हो रहे निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह स्मारक जल्द ही विश्व के मानस पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य तेजी से हो रहा है। सब लोगों का ये प्रयास है कि समय से ये काम पूरा हो जाए। जब इसका शिलान्यास हो रहा था तो आप सब लोग गवाह हैं, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल इसका शिलान्यास किया था, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित थे। इस बार हम सब लोगों का प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी का एक्चुअल आगमन हो, जब इसका लोकार्पण हो, जब ये जनता को समर्पित हो ये स्मारक स्थल महाराजा सुहेलदेव जी का, तो उस समय एक्चुअल रूप में प्रधानमंत्री जी यहाँ आवें, उनके हाथों से लोकार्पण हो। तो हम सब लोगों के लिए एक चुनौती है कि इस काम को समय से हम लोग पूरा करें, संतोषजनक प्रगति है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सपा के अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गलत नहीं तो जांच के नाम पर डरने की जरूरत क्यों? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और सभी विपक्ष के लोगों से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिसका दामन साफ है उसको डरने की क्या आवश्यकता है। अगर किसी के जीवन पर या किसी भी प्रकार के किसी भी आरोप की हमारी एजेंसियां कोई जांच कर रही है और आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? आप एजेंसी का सामना करिए, आप सही रहेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ जहां पूरा विश्व मिलेट वर्ष मना रहा है, वहीं देश में मिलेट का उत्पादन भी होने लगा है। मिलेट के अनेकों फायदों से लोगों को विश्व स्तर पर परिचित कराया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ को मिलेट का लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा रहा है। इसका निर्माण विगत एक हफ्ते से किया जा रहा है। बेला पापड़ समूह की 20 महिलाएं इस प्रसाद को बनाने में लगी हुई हैं। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मैं बाजरे का आटा पिसवाती हूँ, सफाई बाजरा सफा करा के आटा पिसवाती हूँ। पिसवाने के बाद उसको चाल के भुना जाता है देसी घी में, भून के निकाल के फिर उसमें गोंद, तिल, काजू, किशमिश, खोआ, गुड़ मिला के हम लोग बनाते हैं और इलायची। बहुत अच्छा प्रसाद शुद्ध घी से बना है, ज्वार बाजरा। और अब अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड। फिल्म में दिखाए गए दो परित्यक्त हाथियों और उनके देखभाल की कहानी, साथ ही जंगलों की सुंदरता को भी दिखाया गया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से हुआ शुरू। सत्र के दूसरे भाग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जम्मू और कश्मीर से संबंधित सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट से संबंधित वक्तव्य रखा जाएगा सदन के पटल पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में कई औद्योगिक परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी संविधान में दी गई आरक्षण व्यवस्था के साथ ही बढ़ेगी आगे। और प्रदेश के खाद्य और उद्यान प्रसंस्करण मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों से 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी आलू।